दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भारत में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां आप भारतीय तो हैं लेकिन वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। वहां पर केवल दूसरे देश के आए पर्यटक ही जा सकते हैं और वहां भारतीयों को जाना बैन है। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही जगह के बारे में। नंबर वन, गोवा का ओनली फॉरनर्स बीच। यह बीच गोवा में है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है, जिसमें बड़ा हिस्सा विदेशी पर्यटकों से आता है। कहा जाता है कि यहां कई ऐसे समुद्री बीच हैं जहां सिर्फ विदेशी पर्यटकों को ही एंट्री दी जाती है। भारत के देसी पर्यटकों का इन बीचों पर जाना बैन है। इसकी वजह विदेशी पर्यटकों की शांति में खलल डालने से रोकना है। नंबर टू, अंडमान निकोबार का नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड में सिर्फ आदिवासी निवास करते हैं। यह द्वीप बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखता है क्योंकि यहां के आदिवासी आज भी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस आइलैंड पर संपर्क बनाने की कोशिश नहीं की गई हो। कई सालों पहले इस द्वीप पर कुछ लोग यहाँ के लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के आदिवासी बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने आइलैंड पर नहीं आने देते हैं। नंबर थ्री, हिमाचल प्रदेश में कसोल का फ्री कैफे। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल कैफे बना हुआ है। उस कैफे का संचालन इजरायली मूल के निवासी लोग करते हैं। वहाँ पर भारतीय पर्यटकों का जाना बैन है। कैफे के संचालकों का कहना है कि वे केवल अपने मेंबर्स को ही भोजन और स्नेकर सर्व करते हैं। इस मुद्दे पर कई बार विवाद भी हो चुका है, लेकिन अर्थव्यवस्था में विदेशी पर्यटकों की हैसियत को देखते हुए सरकार इस मामले में ज्यादा कड़ाई नहीं करती। नंबर फोर, चेन्नई का रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। चेन्नई में रेड लॉलीपॉप हॉस्टल में केवल विदेशी पर्यटकों को एंट्री दी जाती है। होटल प्रबंधकों का कहना है कि वह केवल पहली बार भारत आने वाले पर्यटकों को ही सेवा प्रदान करता है। भारत के देसी पर्यटकों को हॉस्टल अपनी सुविधा नहीं देता है। वहाँ पर एंट्री पासपोर्ट देख कर की जाती है। नंबर फाइव, बेंगलुरु का यूनो इन होटल। बेंगलुरु शहर में बने यूनो इन नाम के एक होटल में भी भारतीय लोगों के जाने पर रोक थी। होटल में केवल जापान के लोगों को ही एंट्री दी जाती थी। इस होटल को वर्ष 2012 में बनाया गया था। इसके बाद जब होटल पर नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे तो करीब 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया। सो दोस्तों, ये थे भारत के 5 ऐसे जगह जहां पर केवल विदेशी ही जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।